निफ्टी इज एट 15,800. क्या अभी इन्वेस्ट करें या ना करें? अगर अभी इन्वेस्ट करेंगे तो लॉस तो नहीं हो जाएगा, और अगर नहीं करेंगे तो क्या निफ्टी यहां से और ऊपर तो नहीं चली जाएगी? बात करेंगे आज की इस वीडियो में. सो आज की इस वीडियो में जो हम तीन पॉइंट्स पे बात करने वाले हैं, सबसे पहला बात करने वाले हैं कि जो लोग म्यूचुअल फंड्स के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं वो क्या स्ट्रेटजी अभी यूज कर सकते हैं. सेकंड बात करेंगे जो लोग डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, स्टॉक्स चूज करते हैं, वो क्या अभी स्ट्रेटजी यूज करें. एंड थर्ड लास्ट में मैं बात करूंगा कि मैं अभी पर्सनली क्या स्ट्रेटजी यूज कर रहा हूं, किस तरीके से मैं अभी इन्वेस्ट कर रहा हूं, कितने परसेंट इन्वेस्ट कर रहा हूं या क्या चीज कर रहा हूं. तो चलिए जल्दी से बात करते हैं. सो मार्च 2020 के बाद की जो रैली थी, इट वॉज लाइक अ वन साइडेड रैली जहां पे हमें कोई भी अच्छी खासी करेक्शन देखने को नहीं मिली है. बट यस, फाइनली जो है वो निफ्टी थोड़ी सी लाइक हैवी शो हो रही है ऊपर जाकर चार्ट्स के अकॉर्डिंग भी. एंड यस, थोड़ा सा जो है वो लाइक स्लो डाउन हुआ है. जो पहले रैली आ रही थी उस हिसाब से थोड़ी सी निफ्टी स्लो हुई है. एंड बहुत सारे लोग अभी सोच रहे हैं कि यार यहाँ से एकदम से फॉल तो नहीं आ जाएगा, एंड किस तरीके से हम करें, बिकॉज बहुत सारे लोग छूट गए हैं एंड बहुत सारे लोग और इन्वेस्ट करना चाहते हैं. तो सबसे पहले बात करते हैं उन लोगों की जो कि म्यूचुअल फंड्स के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं, वो क्या करें. तो देखो, जो लोग तो डायरेक्टली म्यूचुअल फंड्स के थ्रू कर रहे हैं उनके लिए सिंपल सी स्ट्रेटजी है. अगर तो आप पहले से इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको सिर्फ उसमें ऐड ही करना है जब भी निफ्टी नीचे आती है, ठीक है. विड्रॉ करने का मत सोचिए, अभी रिडीम करने का मत सोचिए, बिकॉज आप समझो अभी अभी हम कुछ टाइम पहले लाइक एक साल पहले इतने बड़े क्रैश से गुजरे हैं. तो फिर से एकदम से इतना बड़ा क्रैश इज लाइक नॉट पॉसिबल अकॉर्डिंग टू टेक्निकल्स एंड अकॉर्डिंग टू लाइक लॉजिक भी. बस यह कि लोगों के दिमाग में डर बैठ गया कि यार पिछली बार हम 12,500 से एकदम से 7,500 आ गए थे तो फिर से ऐसा तो नहीं हो जाएगा. आप समझिए वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था, COVID-19 जैसी सिचुएशन फिर से नहीं आएगी तो ऐसा कुछ नहीं होगा. अगर हाँ नॉर्मल ऐसा कोविड के केसेस बढ़ते हैं, कुछ भी ऐसा होता है, थोड़े रिजल्ट्स खराब आते हैं कंपनीज के, तो डेफिनेटली कुछ टाइम तक निफ्टी स्लो डाउन होगी, बट आफ्टर ऑल वो फिर से यहाँ से ऊपर चलनी शुरू हो जाएगी. तो कोविड की चाहे थर्ड वेव आ जाए, चाहे फोर्थ वेव आ जाए, चाहे फिफ्थ वेव आ जाए, चाहे जितने मर्जी केसेस बढ़ जाए, निफ्टी फिर से कोविड के कारण अभी नहीं गिरेगी. बिकॉज मार्केट्स एक ही चीज के ऊपर बार बार रिएक्ट नहीं करती हैं, वो एक ही बार में सारा फैक्टर इन कर लेते हैं कि हाँ बुरे से बुरा क्या हो सकता है. तो इसलिए कोविड की वजह से निफ्टी में एकदम से क्रैक आ जाएगा या क्रैश आ जाएगा बहुत बड़ा, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है. बट यस, अगर ऐसा फिर से कोई और सिनेरियो होता है, कोई नया वायरस आ जाता है जिसकी लाइक किसी को भी खबर नहीं है, या फिर कोई ऐसा लाइक ग्लोबल इवेंट हो जाता है जिसके कारण से लाइक मार्केट्स पे फिर से प्रेशर पड़ता है, तो देन डेफिनेटली क्रैश हो सकता है. बट यस, उस चीज के बेस पे हम कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, बिकॉज वो तो कभी भी हो सकता है, वो आज नहीं, आज से एक साल बाद, दो साल बाद, तीन साल बाद, कभी भी हो सकता है. तो इस हिसाब से हम फिर कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे. तो हमें सिर्फ देखना है कि यस हम कंफर्टेबल कहां पे हैं, कहां पे हमें अच्छा प्राइस मिल रहा है, ठीक है. तो वो है कि जो लोग नया इन्वेस्ट करना चाहते हैं म्यूचुअल फंड्स में, आपको सिर्फ एक सिंपल सी चीज करनी है. लाइक निफ्टी का अगर हम ऑल टाइम हाई की बात करें तो अराउंड 16,000 के आसपास है, 5,500 पॉइंट नीचे, ठीक है. तो वहां से आप लाइक एक मोटा मोटा 5% का ले लो कि 5% नीचे जब भी निफ्टी जाएगी तो मैं इन्वेस्ट करना शुरू कर दूंगा, ठीक है. बट सबसे पहले आपको चीज देखनी है कि आप इन्वेस्ट किस फंड में कर रहे हो. तो अगर आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने वाले हो म्यूचुअल फंड्स के थ्रू, तो देन सिंपल सा आपको देखना है कि आप 5% का एक जो है वो मार्जिन ले लो. लाइक 16,000 से 5% मतलब अराउंड 15,200 के आसपास. तो जब भी निफ्टी आपको वहां पे मिलती है तो आप थोड़ा सा अमाउंट इन्वेस्ट कर दो. लेट्स से आप लाइक 100 रुपीज इन्वेस्ट करना चाहते हो फॉर एग्जांपल, तो आप उसमें से 20 रुपीज 30 रुपीज इन्वेस्ट कर दो, ठीक है. मतलब जितना भी आप इन्वेस्ट करना चाहते हो उसका 20% 30% आप वहां पे इन्वेस्ट कर सकते हो, बिकॉज इंडेक्स में एक 5% की करेक्शन अच्छी होती है, ठीक है. और यहां से अगर करेक्शन आती भी है तो मैक्सिमम 10% 15% आ जाएगी, इससे ज्यादा करेक्शन नहीं आने वाली है अकॉर्डिंग टू लाइक माई चार्ट स्टडी, ठीक है. तो आप इस तरीके से कर सकते हो. उसके बाद फिर अगर वहां से 15,200 से आपको और लाइक 3% 4% 5% नीचे मिलता है इंडेक्स, तो देन वहां पे आप और अपना अमाउंट लाइक 30% या 40% जो आपके पास बच गया उसको इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है. और फिर वहां से जब मार्केट ऊपर आनी शुरू हो जाए धीरे धीरे, जैसे जैसे आपको कंफर्मेशन मिलती जाए, तो फिर आप धीरे धीरे ऐड करते जाओ, ठीक है. एक ही जगह पे सारा अमाउंट लेना या एक ही जगह पे सारा इन्वेस्ट करना वो मत करिए, थोड़े थोड़े अमाउंट में स्टैगर्ड वे में आप इन्वेस्ट करते जाइए अगर आप नया इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहते हो. अदरवाइज आप कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाओगे. अगर आप सोचते रहोगे कि मेरे को निफ्टी फिर से 10,000 पे मिल जाए, 11,000 पे मिल जाए, ऐसा नहीं होगा. आपको जहां पे भी मिल रही है थोड़ी सी लाइक 5% 6% नीचे, वहां पे आप थोड़ा सा अमाउंट इन्वेस्ट कर दो. अभी बात है जो लोग पहले से इन्वेस्ट कर रहे हैं म्यूचुअल फंड में, तो आपको कोई भी बात नहीं डरने की. आप हाँ अगर थोड़ा प्रॉफिट बुक करना चाहते हो तो वो आपके अपनी अकॉर्डिंग है, लेकिन यस प्रॉफिट इतनी जल्दी म्यूचुअल फंड्स में बुक करने का कोई फायदा भी नहीं होता है. आप धीरे धीरे बस अमाउंट ऐड करते जाओ एंड साथ साथ में उसको राइड करते जाओ. अभी बात आती है सेकंड लोगों के लिए जो कि डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, वो स्टॉक्स को चूज करते हैं. तो वो क्या करें अभी, बिकॉज कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि ऑलरेडी 3-3 गुना 4-4 गुना हो गए हैं मार्च वाले लो से, और कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि लाइक बहुत ही ऊपर चले गए, वो तो 6-6 गुना भी हो गए. तो अभी क्या करें, किस तरीके से करें,
तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपके साथ एक और चीज शेयर करना चाहता हूँ कि अगर आपको म्यूचुअल फंड्स के भी नॉलेज नहीं है और आप म्यूचुअल फंड्स के बारे में सीखना चाहते हो तो 22 अगस्त को 5 बजे मैं एक सेशन कंडक्ट कर रहा हूँ एंड उसके ऊपर मैं सारा आपको बताऊंगा कि म्यूचुअल फंड्स में आप लाइक किस तरीके से पूरी अपनी मास्टरी कर सकते हो, ये सारे टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे एंड इस सेशन को अटेंड करने के बाद आप लाइक एक म्यूचुअल फंड खुद से चूज कर पाओगे एंड आपको किसी को पूछने नहीं जाना पड़ेगा कि मैं म्यूचुअल फंड्स में किस तरीके से इन्वेस्ट करूँ, किस तरीके से फंड चूज करूँ, कब एग्जिट करूँ, कब एंटर करूँ, वो सारी चीज़ें हम बात करेंगे। तो अगर आप इस सेशन को ज्वाइन करना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एक बार चेक करिए और अगर आपको लगता है कि यस ये सेशन मेरे लिए हेल्पफुल रहेगा तो आप ज्वाइन कर सकते हो। एक मेरा पुराना सेशन ऑलरेडी वहां पे है वेबसाइट पे, तो आप उसको भी देख सकते हो एंड समझ सकते हो कि हाँ हम वहां पे किस तरीके की बात करते हैं। तो जो लोग डायरेक्टली स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए मेरी पर्सनल सजेशन ये है कि आप मार्केट का लेवल तो देखो, ठीक है मार्केट किस लेवल पे है किस लेवल पे नहीं, बट उससे ज़्यादा आप फोकस करो कि आपका स्टॉक कहाँ पे है। बिकॉज आपको मार्केट से क्या लेना देना है, आपको निफ्टी में तो पैसा लगाना नहीं है, आपको स्टॉक्स लेना है। सिंस आप डायरेक्टली इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप कोई स्टॉक लोगे, लेट्स से रिलायंस लोगे, HDFC बैंक लोगे, ICICI बैंक लोगे, इंफोसिस, TCS, कोई भी कंपनी ऐसी ले रहे हो तो आपको वो देखना है कि वो कहाँ पे है। लाइक निफ्टी तो आपको दिख रही है 15,800 पे, बट क्या वो उस लेवल पे है? लाइक अभी अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो आप यहाँ पे ये स्टॉक देखो रिलायंस का स्टॉक और साथ में आप निफ्टी का कंपैरिजन देखो, अब वो सितंबर के टाइम से रिलायंस जो है 2300 का 2000 आ गया, 2050 अभी करंटली, और अभी लाइक 1800 के आसपास उसने लो भी लगा दिया, बट वहां से आप निफ्टी देखो 11,500 से 15,000 के भी ऊपर आ चुकी है। मतलब निफ्टी वहां से अराउंड 40% बढ़ गई बट रिलायंस वहां से लाइक कितना गिर गया, लाइक 20-25% गिर गया। तो आपको अपना स्टॉक देखना है कि आपका स्टॉक कहां पे है, लाइक जिस भी स्टॉक में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो वो किस लेवल पे है। आपको निफ्टी के लेवल से ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए, अगर तो लाइक जितनी चाल निफ्टी में आई है उतनी आपके स्टॉक में भी आई है या उससे ज्यादा आई है तो देन ठीक है, देन आपको कंसिडर करना पड़ेगा कि हाँ मैं यहां पर इन्वेस्ट करूं या ना करूं। बट अगर आपके स्टॉक ने परफॉर्म ही नहीं करा है, उसने कंटिन्यूअसली अंडर परफॉर्म किया तो देन आपको इतना देखने की जरूरत नहीं है, देन आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अपना एनालिसिस करिए, टेक्निकल करिए, फंडामेंटल करिए एंड देन आप उस स्टॉक को अभी भी ले सकते हो। बिकॉज क्या होगा देखो, अब जब निफ्टी पहले लाइक 7500 से 11500 तक आई थी तो निफ्टी में तो आपको दिखेगा कि लाइक ठीक है 25-30% 40% की चाल आई, बट उस पर्टिकुलर टाइम में रिलायंस 850 रुपीज का 2400 हो गया था, तो रिलायंस 3 गुना हो गया था। मतलब निफ्टी में चाल आई 40% 50% की और रिलायंस वहां से लाइक अराउंड 300% बढ़ गया था। तो अभी जरूरी नहीं कि अगर निफ्टी यहाँ से लाइक 20% या 10% 15% नीचे आती है तो रिलायंस भी उसके साथ नीचे आएगा। हो सकता है निफ्टी 10% नीचे आए और रिलायंस आपको आज से 3 महीने बाद 50% ऊपर मिले, तो ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारे स्टॉक हैं, ये तो मैंने सिर्फ एक एग्जांपल दिया आपको, ऐसे आपको बहुत सारे स्टॉक्स मिल जाएंगे जिन्होंने की लाइक अभी चाल दी ही नहीं है, तो आप उन स्टॉक्स को देख सकते हो। बाकी जो स्टॉक्स आपके पास पड़े हैं उनमें आपको देखना है कि आपको प्रॉफिट बुक करना है या नहीं करना है, किस तरीके से वर्क करना है, वो आपको देखना है कि आपका स्टॉक किस लेवल पे है एंड आप देखो अपने अकॉर्डिंग लाइक आपके चार्ट्स के अकॉर्डिंग या फंडामेंटल के अकॉर्डिंग की अगर कुछ चेंज है उसमें या नहीं है तो देन आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। बाकी आपको अपने गोल को ध्यान में रखना है, अपने व्यू को ध्यान में रखना है कि आप कितने टाइम के लिए इन्वेस्टेड हो, आप 2 साल के लिए इन्वेस्टेड हो, आप 10 साल के लिए इन्वेस्टेड हो। अगर आप 10 साल के लिए इन्वेस्टेड हो तो देन आपको आई डोंट थिंक कि कोई डरने की जरूरत है, आपको सिर्फ उसको ट्रेल करते जाना है, अपने स्टॉप लॉसेस को ऊपर लाते रहिए एंड साथ साथ में जहां पे आपको प्रॉफिट थोड़ा सा दिखता है बहुत ज्यादा वहां पे थोड़ी क्वांटिटी बुक कर लीजिए। इसी से हम आते हैं अपने थर्ड पॉइंट पे कि मैं किस तरीके से कर रहा हूं। अभी ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का जिसमें आपको बताना चाहता हूं कि मैं किस तरीके से कर रहा हूं एंड इससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी एंड आपको पता लग जाएगा कि हाँ हम इस स्ट्रेटजी को यूज कर सकते हैं। अब सबसे पहले मैं बताऊं तो मैं जो भी करता हूं लाइक मैंने जो भी स्टॉक्स मेरे पास पोर्टफोलियो में पड़े हैं, जो भी इन्वेस्टमेंट के लिए मैंने रखे हैं लाइक 3 साल 5 साल 10 साल के लिए, उनको मैंने प्लेज करवा रखा है एंड उसके बदले में मेरे को मार्जिन मिल जाता है एंड देन उससे मैं जो ट्रेडिंग करता हूँ। बिकॉज मैं दोनों करता हूँ, इन्वेस्टमेंट तो मैं करता ही हूँ साथ साथ में मैं ट्रेडिंग भी करता हूँ, हालांकि बहुत ज़्यादा लाइक शॉर्ट टर्म की ट्रेडिंग नहीं करता हूँ, पोजिशनल बेस पे करता हूँ, बट यस वो मैं ट्रेडिंग साथ साथ में करता रहता हूँ थोड़ी बहुत। तो मैं इसलिए जो भी मेरा अमाउंट होता है, समझ लो मेरे को 10 लाख मिल गया, लाइक मैंने अपने समझ लो 12 लाख 13 लाख 15 लाख के अपने जो स्टॉक्स थे मैंने उनको प्लेज करवा दिया, अब मेरे को मार्जिन मिल गया 10 लाख रुपीज़ का। अब उस 10 लाख रुपीज़ पे मैं जो वो कुछ ना कुछ ट्रेडिंग करता रहता हूँ, चाहे मैं ऑप्शन सेल कर दूँ, चाहे मैं फ्यूचर्स में कर लूँ, ठीक है ऑप्शन में ज़्यादा करता नहीं, तो ये दोनों मैं लाइक ऑप्शन बाइंग में ज्यादा करता नहीं हूं और वैसे भी ऑप्शन बाइंग होती नहीं है जो प्लेज मनी होती है। तो अब मैं वो मनी से क्या करता हूं, ट्रेडिंग करता हूं, ठीक है। अब करंटली मैं क्या कर रहा हूं, लाइक जो भी मेरे पास स्टॉक्स पड़े थे जिनमें मेरे को अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा था देन उनमें से मैंने कुछ को बुक किया है, लाइक पूरी क्वांटिटी बुक नहीं करी है, समझ लो मेरे पास 500 क्वांटिटी पड़ी थी किसी स्टॉक की एंड मेरे को उसमें अच्छा खासा प्रॉफिट दिख भी रहा था एंड अभी मेरे को चार्ट्स के अकॉर्डिंग लग रहा था कि हाँ थोड़ी सी इसमें करेक्शन आ सकती है, थोड़ी सी मतलब ज्यादा करेक्शन नहीं, 10-15-20-25% की करेक्शन आ सकती है, तो मैंने उसकी सिर्फ कुछ क्वांटिटी बुक करी है। तो जैसे मैंने बताया कि मेरे पास समझ लो 500 क्वांटिटी पड़ी है तो मैंने उसमें से 200 बुक कर ली या 250 बुक कर ली या 150 बुक कर ली एंड जब भी फिर वो
नीचे आएगा तो देन मैं उसमें और ऐड कर लूंगा, ठीक है। बट यस, अभी फिलहाल के मैंने कुछ स्टॉक्स में से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग करी है, हालांकि ज्यादा स्टॉक्स में से नहीं करी है, बट यस कुछ स्टॉक्स में से मैंने प्रॉफिट बुकिंग करी है। एंड अभी ट्रेडिंग में भी मेरे पास कुछ खास पोजीशंस नहीं है ज्यादा, सिर्फ कुछ एक दो पर्टिकुलर स्टॉक्स की हैं, इंडेक्स की कोई पोजीशन नहीं है मेरे पास फिलहाल, बस कुछ एक दो स्टॉक्स की मैंने ले रखी है, वो भी बहुत ही लाइक स्पेसिफिक करके, बहुत ही कम करके पोजीशन रखी है, ज्यादा पोजीशन मैंने नहीं रखी है फिलहाल। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाती है, यहाँ से ब्रेकआउट होते हैं तो देन डेफिनेटली हम फिर से ऐड करेंगे, थोड़ा सा ऊपर महंगा लेना पड़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर मेरे चार्ट में मेरे को लग रहा है कि थोड़ा सा यहाँ पे काम हो सकता है करेक्शन वाला, तो देन मैं थोड़ा सा साइड पे होकर बैठ गया हूँ एंड थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ कि अगर स्टॉक नीचे आ जाएगा तो ठीक है। अभी अगर समझ लो मैंने कोई स्टॉक समझ लो 300 पे लिया था, ठीक है, अभी मैंने उसको सेल किया 450 पे, ठीक है, लेट से 450 पे मैंने सेल किया, 50% का प्रॉफिट हो गया मैं, ठीक है, उस पर्टिकुलर स्टॉक में। अब अगर मैंने 450 पे सेल किया है एंड मैं सोच रहा हूँ कि मेरे को 400 पे मिल जाए फिर से तो बहुत बढ़िया। अब अगर वो यहाँ से ऊपर चलना शुरू हो जाता है तो देन 460 पे ले लेंगे, 470 पे ले लेंगे, 500 पे ले लेंगे, बट कोई दिक्कत नहीं है। 500 पे भी अगर लेंगे तो हम अगर चार्ट्स देखेंगे अच्छे से तो अगर हमें दिख रहा है कि हाँ ये 700 जा सकता है तो देन कोई बात नहीं, 50 रुपये हम ऊपर ले लेंगे। बट जब हमें लग रहा है कि स्टॉक नीचे आ सकता है थोड़ा सा, तो इससे मैंने थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग करी है एंड अभी मैं यही से स्ट्रेटजी यूज़ कर रहा हूँ। अगर जब भी मेरे को वो स्टॉक्स नीचे मिलते जाएंगे उनको मैं ओवर ऐड करता जाऊंगा एंड ट्रेडिंग मैंने थोड़ी सी कम करी है अभी, बट यस जब भी नीचे वो स्टॉक्स मिलेंगे मैं वहाँ पे और उनको ऐड करूंगा। बाकी म्यूचुअल फंड्स में मैं फिलहाल इतना नहीं हूं एक्टिव, सिर्फ मैं डायरेक्टली ही कर रहा हूं, तो यही से स्ट्रेटजी मैं यूज़ कर रहा हूं एंड आप भी इसको यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास कुछ स्टॉक्स पड़े हैं पोर्टफोलियो वाले जिनमें आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है तो थोड़ा बहुत बुक करने में कोई दिक्कत नहीं है, बस आप सारी क्वांटिटी बुक मत करना। सारी क्वांटिटी आपने अगर बुक कर ली तो देन आप अगेन लेने वाले नहीं बनोगे, मतलब ऐसा हो सकता है कि वो स्टॉक आपके प्राइस से 10% ऊपर चला जाए, फिर आपकी हिम्मत नहीं पड़ेगी लेने की। तो इसलिए सारी क्वांटिटी बुक मत करो, थोड़ी क्वांटिटी बुक करके देन उसको नीचे मिले तो थोड़ी और ले लो, ठीक है। तो यही स्ट्रेटजी मैं यूज कर रहा हूं। बाकी जो भी आपके दिमाग में ऐसे ख्याल आ रहे हैं कि निफ्टी फिर से नीचे ना आ जाए, बहुत ज़्यादा नीचे ना आ जाए, आई डोंट थिंक कि आपको वो ख्याल लाने चाहिए एंड आपको बहुत ज़्यादा जो करेक्शन है उसकी वेट नहीं करनी चाहिए। बहुत सारे लोग अभी भी सोच रहे हैं कि 10,000 निफ्टी मिल जाए, 11,000 मिल जाए, 12,000 मिल जाए, बट जितने मैं चार्ट्स देख पाता हूँ या जिस तरीके से मैं चार्ट्स देख रहा हूँ, मेरे को लगता नहीं कि निफ्टी में यहाँ से बहुत ज़्यादा करेक्शन आने वाली है। थोड़ी करेक्शन आएगी एंड हमें उसी में गुजारा करना पड़ेगा एंड जब आप व्यू ले रहे हो 5 साल का तो देन आई डोंट थिंक कि आपको इतनी इतनी करेक्शंस के लिए लड़ना चाहिए। थोड़ा व्यू बढ़ा रखिए एंड इन्वेस्ट करना शुरू करिए, करेक्शंस पार्ट ऑफ द गेम है। बट ये जो क्रैशेज होते हैं ये कभी कभी ही आते हैं, आपको क्रैशेज के ऊपर जो है वो अपनी जिंदगी नहीं निर्भर करनी है। लाइक एक मैंने बहुत अच्छी चीज़ पढ़ी थी, एक बार मैं वीडियो के लास्ट में आपको बता देता हूँ। लाइक क्रैश या जो लाइक स्टॉक मार्केट में जो बड़ा फॉल है वो लाइक एक मौत की तरह है, ठीक है। मौत एक बार होती है बंदे की, बट आप अगर उस पर बैठ करते जाओगे बार बार तो आप हारोगे ही हारोगे। बट यस ये जो लाइक ट्रेंड है या ये जो चाल है रैली है ऊपर की, ये हमारा जीवन है और जीवन हम रोज जी रहे हैं, बट मौत एक ही बार होगी। तो क्रैश लाइक कभी एक मतलब 3-4-5 साल बाद आता है, ठीक है। तो अभी अभी अगर हम क्रैश से गुजरे तो जरूरी नहीं कि क्रैश फिर से आ जाएगा, क्रैश आएगा डेफिनेटली आएगा, बट आई थिंक कि थोड़ी रैली होने के बाद ज़्यादा ऊपर जाने के बाद फिर आएगा। तो इसलिए क्रैश को मध्य ध्यान में रखिए, इन्वेस्ट करना शुरू करिए, जब भी नीचे मिलता है तो स्टार्ट करिए। आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प हुई है, अगर वीडियो से हेल्प हुई है तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं लेकिन डर रहे हैं कि निफ्टी बहुत ऊपर आ गई है, ऊपर आई है, बट अगर आप देखोगे कि जहां से गिरी थी वहां से ऊपर नहीं आई है, गिरी थी 12,500 से एंड अभी हम आए 15,800 पे, तो मतलब कोई ज़्यादा 20-25% की चाल है एंड इतनी चाल नॉर्मल होती है। तो वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब भी आप कर सकते हो इस चैनल को। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, वंदे मातरम।